जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे 6 से 8 पढ़ाने वाले साथियों के प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुके हैं, तो मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ उपस्थित हूँ 6 से 8 के प्रशिक्षण संबंधी वीडियो लेकर। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में मैं संपूर्ण प्रक्रिया आपको बताऊंगा जिससे आप आपका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों, जैसे कि हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि गूगल क्रोम ब्राउज़र में ही ये प्रशिक्षण जारी रहेगा। आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको लिखना है, मैं आपको लिखकर बता देता हूँ साथियों। जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा bit.ly/RSCERTCOURSE, मतलब मैंने इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करवा दिया है साथियों। तो आपको इस तरह से लिख के, सेम जैसा मैंने लिखा है, कैपिटल है तो कैपिटल और स्मॉल है तो स्मॉल, और लिख के इसको यहाँ सर्च करना है। तो चलिए साथियों, मैं सर्च कर लेता हूँ। अब इस तरह का पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा जहां हमें नीचे की ओर जाना है साथियों। यहां एक ऑप्शन आ रहा है शुरू करें, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। सीखने के लिए साइन इन करें। तो आपको यहां ध्यान देना है साथियों, उपयोगकर्ता का नाम में भी अपनी NIC ID, जो शाला दर्पण की हमारी NIC ID है, वही लिखनी है। और पासवर्ड में भी प्रथम बार में जो आपकी NIC है वही लिखना है। जैसा कि हमें निर्देश प्राप्त हुआ है, हमें इसी तरह सबसे पहले लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है साथियों साइन इन का, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। मैं भी उक्त जानकारी भरकर साइन इन करते हैं और देखते हैं कि प्रशिक्षण हमें कैसे प्राप्त करना है। जैसे ही हम उक्त जानकारी भरकर लॉगिन करेंगे, इस तरह का पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा जहां हमें नीचे की ओर जाना है साथियों। यहां लिखा हुआ है इंटर कोर्स, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरह का प्रश्न अगला हमारे सामने आएगा जहाँ हमें हम मॉड्यूल 1 में सत्र 1.2 गतिविधि परिचय, इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ साथियों एक ऑप्शन है वीडियो प्ले का, मैं नीचे भी पहले आपको परिचित करा दूँ। इस तरह से अगला मॉड्यूल हमारे सामने दिखाई देगा, इसे भी हमें करना है। इसके नीचे एक मॉड्यूल और है। तो इस तरह हम यहाँ जो भी जानकारी हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है उसे चेक करेंगे। उसके पश्चात अब साथियों कोर्स में भाग लेने के लिए जहां ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से रिज्यूम कोर्स का आपके, मैंने पहले चालू कर लिया है तो मुझे रिज्यूम कोर्स दिखाई दे रहा है। आपको स्टार्ट कोर्स इस जगह दिखाई देगा। माफ कीजिए साथियों, साइट थोड़ी स्लो चल रही है, इसलिए हमें, यदि आपका कनेक्शन कट जाए तो आप उसे रीलोड वाले ऑप्शन जो आपके मोबाइल पर दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है। आपके सामने रीलोड होगा और इस तरह का अगला पेज आ जाएगा। यहाँ हमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है, परिचय सत्र है, उत्साहित शिक्षकों की नवाचार की कथाएं हैं। तो आप जो भी प्रशिक्षण कर रहे हैं उनमें इन बिंदुओं पर, जैसे परिचय सत्र पर क्लिक करके आप इससे परिचित होंगे। तो इस तरह से आप इस कोर्स में साथियों इस वीडियो के माध्यम से भाग ले पाएंगे। तो इस तरह साथियों आपको आपका प्रशिक्षण समाप्त करना है या प्रशिक्षण ग्रहण करना है, जो जो भी बिंदु मैंने आरंभ में आपके सामने वीडियो में बताए हैं, प्रत्येक बिंदु को हमें देखना है और उससे ज्ञान ग्रहण करते हुए अपनी कक्षा में नवाचार करना है। साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दूँ कि यदि आप विद्यालय में शाला दर्पण प्रभारी का कार्य करते हैं, शाला दर्पण को देखते हैं, तो उसके लिए भी आपके यहाँ इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। और यदि आप दीक्षा में प्रशिक्षण करना चाहते हैं, 1 से 5 पढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी आपकी सहायतार्थ मैंने संपूर्ण वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो यदि आपको किसी भी प्रकार का शाला दर्पण संबंधी, दीक्षा ऐप संबंधी
या 6 से 8 पढ़ाने वाले साथियों को प्रशिक्षण संबंधी समस्या आती है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी सहायतार्थ हमेशा अवेलेबल हूँ। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।